किराना व्यवसायी हैं, तो ये 17 प्रकार का सामान अपनी किराना दुकान में जरूर रखें। किराना स्टोर आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक सामान्य दुकान है। ज्यादातर किराने की दुकानों में दैनिक जरूरतों और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली किराने की वस्तुएं होती हैं। अपने स्टोर में बेचने के लिए सही प्रोडक्ट्स चुनने की जरूरत है। अपना खुदरा व्यवसाय शुरू करते समय क्या बेचना है, ये निर्णय संभवतः सबसे कठिन निर्णय है, जो आपको शुरुआत में सोच समझ कर लेना होगा। आपके स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स का चयन करते समय सबसे अधिक कठिनाई उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने में होती है जिनमें आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे ही सामानों के बारे में बताएंगे जिन्हें रखने से आपके व्यवसाय को लाभ होगा। बेचने के लिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाएं। नंबर 1, स्नैक्स। बच्चे हो या बड़े, सभी लोग स्नैक्स को काफी पसंद करते हैं। स्नैक्स टाइम पास करने का और चटकारा मारने का सबसे अच्छा बहाना है, इसलिए मार्केट में जिस स्नैक की सबसे अधिक डिमांड हो उसे जरूर रखें। साथ ही अन्य स्नैक्स पर भी एक्सपेरिमेंट जरूर करें। नंबर 2, अपनी शॉप पर डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर रखें। नंबर 3, हर तरह की कैंडी बच्चों और ग्राहकों को आकर्षित करती है, इसलिए अच्छी क्वालिटी की कैंडी अपनी शॉप पर जरूर रखें। नंबर 4, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट। अपनी शॉप पर ब्रेड हर हाल में रखें, इसके साथ अन्य बिस्किट और टोस्ट आदि का भी स्टॉक जरूर रखें। नंबर 5, हर तरह का आटा। गेहूं, राइस, बेसन, मैदा आदि हर तरह का आटा आपकी शॉप पर होना चाहिए, जिससे ग्राहक कभी भी खाली हाथ ना जाए। नंबर 6, तेल, घी, मक्खन, खाना पकाने का तेल। अपने एरिया को देखते हुए हर तरह का तेल रखें, जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, रिफाइंड ऑयल आदि। अच्छे ब्रांड का घी और मक्खन जरूर रखें। याद रखिए, ये सभी सामान आपकी शॉप जिस एरिया में है उस एरिया के लोगों की फाइनेंशियल स्थिति को देखकर होना चाहिए। नंबर 7, सब्जियां, फल। थोड़ी बहुत जो रोजमर्रा में काम आती हैं, ऐसी सब्जियां भी रखें। जैसे किसी को अगर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर या धनिया चाहिए, तो उसे किसी सब्जी की दुकान को खोजकर ना जाना पड़े। आप अपने एरिया के लोगों को इस सुविधा से आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 8, सूप, मैगी, ओट्स। मैगी बच्चों को बहुत पसंद होती है, ऐसे में आप मैगी रखकर बच्चों को आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही आजकल चलन में सूप, ओट्स आदि भी हैं, जिनकी डिमांड अधिक है। नंबर 9, नमक, शुगर, मसाले। किराने की दुकान पर नमक, शुगर, मसाले ना हो तो फिर किराने की दुकान कैसी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एरिया के हिसाब से क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर फोकस करें। नंबर 10, शहद, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम। अपने स्टोर में इन आइटम्स को भी जरूर रखें, ये आइटम्स बच्चों को आकर्षित करते हैं, मेहमान नवाजी में काम आते हैं, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। नंबर 11, वाटर बॉटल। किराने की दुकान में बोतल बंद पानी सबसे अधिक उच्च मार्कअप आइटम माना जाता है। इस आइटम को 4000% तक चिन्हित किया गया है और किसी भी तरह के लोग इसे खरीद रहे हैं। नंबर 12, क्लीनिंग प्रोडक्ट। नियमित रूप से साफ सफाई में ये प्रोडक्ट्स काम आते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि सफाई से जुड़ा हर तरह का प्रोडक्ट आपके पास हो। नंबर 13, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। शैम्पू, डिटर्जेंट बार, पाउडर, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, हर तरह का ब्रश, लोशन, मेकअप का कुछ कुछ सामान, इस तरह के आइटम्स इस कैटेगरी में हो सकते हैं। नंबर 14, खिलौने, घड़ी, रिमोट, टॉर्च आदि में लगने वाले सेल्स आपके स्टोर में जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 15, टी, कॉफी। ट्रेंडिंग ब्रांड और क्वालिटी वाइज ब्रांड से जुड़े टी, कॉफी अपने स्टोर में जरूर रखिए। नंबर 16, साबुत अनाज, पास्ता। चावल, पास्ता आदि को स्टॉक में जरूर रखें, क्योंकि चावल प्रतिदिन काम आता है और पास्ता या इस तरह का अन्य प्रोडक्ट लोगों की जरूरत में नहीं बल्कि आदत में काम आता है। नंबर 17, बीन्स और दालें। किसी भी किराना स्टोर में बीन्स और दालें तो जरूर होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट्स जो किसी भी किराना स्टोर में होने ही चाहिए। इसके अलावा आप अन्य प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। किराना से जुड़ी और जानकारियों के लिए स्मार्ट किराना से जुड़े रहें।